हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं। जीतू पटवारी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कहना है आपका? 53 सीटों में दो इलाकों की बात कर रहे हैं हम, निमाड़ रीजन और भोपाल रीजन की। वहां पर अभी कांटे का मुकाबला है अभी, हालांकि बाकी जो क्षेत्र हैं वहां का आंकड़ा आने वाला है। क्या आप इसे कांटे की लड़ाई मानते हैं, क्योंकि आप तो ये कहते रहे कि एक तरफा जीत रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहता रहा हूं, ये सारे सर्वे भी कहते रहे जी, यही बात आईबी की रिपोर्ट भी कहती है, यही कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे भी कहता है, यही बात इंटेलिजेंस भी कहती है, और यही बात कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहता है कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ इस बार सरकार बना रही है। 135 से 37 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कुशासन से मुक्ति चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोग, यहाँ के युवा नशे से मुक्ति चाहते हैं, यहाँ के परिवार के जन महंगाई से मुक्ति चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर ये एहसास करा रही है कि आपसे हमें मुक्ति मिले। मैं मानता हूँ 137 सीट से ऊपर कांग्रेस की स्पष्ट मेजोरिटी सरकार बनेगी। जहाँ तक मालवा और भोपाल की बात और निमाड़ की आपने की, बिल्कुल आप इससे बेहतर रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में मिलेंगे, इससे माइनस नहीं होंगे। आपने लगभग 30 से 32 सीटें कांग्रेस को दी 53 सीट में, ये अपने आप में एहसास कराता है इस बात का कि पूरे पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का ही माहौल है। जो हमारा ग्वालियर बेल्ट है, चंबल बेल्ट है, जो हमारा विंध्य का बेल्ट है, जो बुंदेलखंड का बेल्ट है, जो मालवा का बेल्ट है, जहां से मैं आता हूं, कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है। तो मैं मानता हूं कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सर्वे अपने हो सकते हैं, यानी जीतू पटवारी साहब, आप क्या हो सकते हैं? जीतू पटवारी साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी में आए, आपका कहना है कि आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा? अगर नुकसान होता तो हमारा मेयर क्यों बनता ग्वालियर में? अगर नुकसान होता तो मुरैना में हमारा मेयर क्यों बनता जो 30-30 साल से नहीं बना था? मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे जो विधायक भी लड़े थे वो भी 50-50 थे ग्वालियर चंबल के। जहां तक प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है जी कि जिन लोगों ने धोखा दिया उनको मध्य प्रदेश की जनता ने कभी माफ नहीं किया जी। बिल्कुल जीतू पटवारी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, दो रीजन हमने आपको दिखाए। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।